So this is the video demonstration for the student of King's International College Programming Fundamentals that how to install Dev C++ on your mobile computer systems. So ये basically file है जो आप लोगों को download करनी है. मैंने इस पर double click किया. मैं yes पे click करूँगा. इसी तरह आपका भी आएगा. आप भी yes पे click करोगे. बहुत simple सा procedure है. फिर मैं click करूँगा ओके के ऊपर. उसके बाद आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, दैट्स इट. हम वेट करेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो. हम वेट करेंगे कि सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो. सो बेसिकली ये आपका इंस्टॉल हो गया है और हम क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे. जब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहली बार ओपन होगा. लेट मी ओपन इट अगेन. जब ओपन होगा हम क्या करेंगे, एक ही बार होगा, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. यहाँ से हम लोग फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल बस एन करके भी अपना प्रोजेक्ट लिखना या कोड लिखना शुरू कर देंगे. अब आपको इसको ओपन कैसे करना है, मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूँ. जब भी आप ओपन करेंगे आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर इस तरह का आइकन आया होगा. आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. सो आई थिंक सो आप लोगों को इस चीज़ से समझ लग गई होगी कि किस तरीके से डेव C++ को इंस्टॉल करना है. डाउनलोड का लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है वीडियो के, और नहीं भी है तो आपको मैसेज के अंदर मिला हुआ है. वहाँ से जो 64 बिट वाले को करेंगे, और 32 बिट वाले कंप्यूटर्स वाले जो हैं वो 32 बिट वाले कंप्यूटर पे रन करेंगे. किसी स्टूडेंट को इशू होता है प्याजा के ऊपर वो मुझे मैसेज कर दे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.